शिक्षण संस्थान कानपुर देहात द्वारा SRL कंप्यूटर सेंटर रनिया में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता के विषय में लोगों को दिलाई गई शपथ, ना हम गंदगी फैलाएंगे ना ही किसी को गंदगी फैलाने देंगे। जनपद कानपुर देहात के कस्बा रनिया में स्थित जन शिक्षण संस्थान कानपुर देहात के कंप्यूटर सेंटर SRL कंप्यूटर सेंटर में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के आयोजन में जन शिक्षण संस्थान कानपुर देहात के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम को 16 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक अनवरत विभिन्न गांवों में चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत गांव के लोगों को शपथ दिलाई जाएगी कि हम ना तो गंदगी फैलाएंगे और ना किसी की गंदगी फैलाने देंगे। लोगों से शपथ भी दिलाई गई कि मैं 100 व्यक्तियों से यह शपथ दिला दूंगा व मैं इस तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे का समय दे इसके लिए प्रयास करूंगा। मैं इस विचार के साथ गांव-गांव और गली गली स्वच्छता भारत मिशन का प्रचार करूंगा। संस्था के निदेशक इमरान खान ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा बनाने का संकल्प लिया है, जिसको हम लोग लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और देश को स्वच्छ बनाने में सभी का सहयोग ले रहे हैं। हमारा यह कार्यक्रम लगातार 15 दिन तक विभिन्न गांवों और कस्बों में चलता रहेगा। उक्त कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाल, मोहम्मद दानिश, विश्व प्रताप सिंह, रिसोर्स पर्सन संजय पाल व श्रीमती रश्मि तथा लाभार्थियों ने कार्यक्रम में शामिल कर कार्यक्रम को सफल बनाया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ बेन गुप्ता की खबर।